उत्तरी गाजा पर भी आईडीएफ के बड़े हमले हुए हैं। अल्टीमेटम के बाद उत्तरी गाजा में हमला हुआ है। आईडीएफ ने खाली करने का दिया था अल्टीमेटम और वीडियो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, जो लोग गाजा में रहते थे मजबूर हैं अपने घर को छोड़ने के लिए, पलायन कर रहे हैं लोग और बाकायदा उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द गाजा को खाली कर दें। इसराइल का जमीनी ऑपरेशन क्या है जिसमें इसराइल दावा कर रहा है कि हमास का अंत होकर रहेगा, वो जल्दी से आपको बिग वॉल पर बताते हैं। हमास का अंत कहने की बात कही जा रही है। इसराइल का गाजा के लोगों को संदेश, जो गाजा में अभी भी लोग कुछ बचे हुए हैं फंसे हुए, उन्हें संदेश दिया गया है कि उत्तरी गाजा को छोड़ तुरंत निकल जाए। उत्तरी गाजा इसीलिए क्योंकि यहां पर हमास के कई ठिकाने हैं और यहां सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं इसराइल की ओर से। वहीं दक्षिण की ओर जाने का फिर से फरमान जारी किया गया है। गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए आईडीएफ का ऑपरेशन जारी रहेगा, इसलिए संदेश जारी करके बताया गया कि उत्तरी गाजा को फौरन खाली कर दीजिए, हमने युद्ध का एक स्टेज पार कर लिया है, यह भी इसराइल ने कहा है। इसराइल के रक्षा मंत्री ने दिया है बड़ा बयान जिसमें वो कहते हैं कि योवाब गैलेंट बोले, गाजा में हिल गई है धरती क्योंकि हमास पर कई हमले अभी तक किए गए हैं, गाजा से संपूर्ण सफाई करने का प्रण लिया गया है, यह भी बयान दिया गया है, और मोबाइल और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर ध्वस्त हो गया है, काम नहीं कर रहा है। एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्स का वीडियो सामने आया है और गाजा में घुसने के पहले का वीडियो है। प्रार्थना करते दिख रहे हैं इजरायली जवान। एक और अहम खबर, इसराइल ने कल 450 ठिकानों पर हमला किया। कल रात गाजा में इसराइल का भीषण हमला हुआ है। एक और अहम खबर, इजरायली पोस्ट पर हमले का जश्न, राफा क्रॉसिंग पर लोगों ने जश्न मनाया। हमास ने इसराइल पर रॉकेट से हमला किया था। और परिजनों से मुलाकात के बाद बोले इसराइल के पीएम नेतन्याहू, बंधकों की वापसी के लिए प्रयास जारी, हर विकल्प का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इसराइल के पीएम ने कहा है कि परिजनों ने बंधकों को छुड़ाने की मांग की थी और इस पे उन्होंने कहा है कि प्रयास जारी रहेगा, जल्द से जल्द बंधकों को हमास के कब्जे से छुड़ाया जाएगा। जो बंधक बने हुए हैं लोग हमास के कब्जे में, उनके परिजनों से मुलाकात के दौरान पीएम नेतन्याहू ने ये बातें कही हैं। तो बंधक संकट का आखिर क्या होगा, ये भी जानना जरूरी है। ये देखिए, हमास को लेकर के जो पीएम नेतन्याहू है उन्होंने बयान दिया है और वो कहते हैं, ये देखिए आपको दिखा रहे ग्राफिक्स के जरिए, सबसे पहले बंधक संकट का आखिर क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। एक तरफ नेतन्याहू है, दूसरी तरफ हमास, दोनों का पक्ष आपको बताएंगे। सबसे पहले नेतन्याहू का पक्ष जानिए। नेतन्याहू कहते हैं हर विकल्प का इस्तेमाल करेंगे, रिहाई तक जंग जारी रहेगी। हमास कह रहा है रिहाई के बदले सभी हमास बंधक को छोड़ा जाए। तो ये इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है और तेल अवीव में मौजूद है हमारे सहयोगी मनीष झा भी। मनीष, इस बार हमास जो शर्त रख रहा है बंधकों को छुड़ाने के एवज में, जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको फ्री करने की मांग, लग नहीं रहा है कि इसराइल इस मांग को मानने वाला है, इस शर्त को मानने वाला है। अगर ऐसा रहता तो फिर ऑपरेशन में इतनी तेजी ना लाई जाती। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, केवल हमास ही नहीं, मांगने के लिए तो जो बंधक के परिजन हैं वो सब भी, जहाँ पर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ मेरे पीछे में ही वो लोग जुटे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, आप हमास के बंधकों के रिहा करने के बदले जितने भी फिलिस्तीनी इजरायली जेल में, इन सबको छोड़ दीजिए। लेकिन इजरायल की सरकार और आईडीएफ इसके लिए तैयार नहीं है। इजरायल की सरकार का मानना है कि हमास दरअसल इस पूरे सिचुएशन को इस्तेमाल करेगा और हमास की कोई नई चाल होगी। इजरायल का मानना यह है कि बंधकों में एक बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक भी हैं, अमेरिका के, रूस के, फ्रांस के और दूसरे और देशों के नागरिक भी हैं। वैसी स्थिति में आईडीएफ की तरफ से जो प्लान बनाया गया है जिसके तहत वो ग्राउंड ऑपरेशन को जारी रखेंगे, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, वहीं दूसरी तरफ जो नेगोशिएशन है वो अमेरिका और दूसरे देश, कतर के माध्यम से, इजिप्ट के माध्यम से उस नेगोशिएशन को रखेंगे। आपको याद होगा कि दो दिन पहले रूस ने भी अपनी लिस्ट दी थी कि हमारे ये बंधक हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। तो इसका मतलब है कि इजराइल के पास एक प्लान बी भी है और उस प्लान बी के साथ वो काम कर रहे हैं और साथ ही अपना ग्राउंड ऑपरेशन भी चला। बिल्कुल मनीष, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और इसीलिए जो अलग अलग देश है जिनके बंधक हमास के कब्जे में है, वो बातचीत भी कर रहे हैं, मेडिएटर को भी ढूंढ रहे हैं ताकि हमास बंधकों को फ्री कर सके।